ओंकार नाथ यादव एक शिक्षक थे पैसे थे, और ये मैणा गांव के रहने वाले थे। रास्ते में ये आ रहे थे, उनकी कुछ लोगों ने अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। वहाँ पर आने पर जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें दो लोगों को नामित किया गया है और दो लोगों को अज्ञात दिखा है। मतलब उसमें जो तहरीर में इस पूरे प्रकरण में जांच हो रही है। बहरहाल पुलिस ने शिक्षक ओमकार यादव के घर वालों की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में जुट गई है। लेकिन जिस तरह से बदमाश सूबे में लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि बदमाशों को अब पुलिस का और प्रशासन का कोई खौफ ही नहीं रहा। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे लुटेरों की दरिंदगी। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस। जिंदगी को दे नई दिशा। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी। और लौकी सुन के भागना मत, आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया और सुनो, वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? वो करेले के करेला स्पेशल बना, एक खाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा, एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। It's fabulous. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा, देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रोजाना रात 8 बजे सिर्फ समाचार। लुटेरे पहले सिर्फ लुटेरे ही थे, फिर कातिल बन गए और अब घर की इज्जत पर भी हाथ डालना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन यूपी पुलिस अब भी अपनी आंख कान बंद कर अनजान बनी बैठी है। क्या वो नहीं चाहती कि राज्य अपराध मुक्त बन जाए? क्योंकि ताजा मामला औरैया का है, 3 घर लुटेरे का शिकार बने और फिर जब लुटेरों ने घर की इज्जत पर हाथ डालना चाहा और उसका विरोध किया गया तो खून भी बहा दिया गया। एक रात 3 लूट, लूट के बाद कत्ल और
महिलाओं की इज्जत पर भी हाथ डालने की कोशिश। कहीं मातम पसरा है तो कहीं खून बहाया गया है, कहीं लोग बदहवास खड़े हैं तो कहीं सामान बिखरा पड़ा है। यह मंजर औरैया के बिदनू कस्बे का है। बताने की जरूरत नहीं है कि एक अनहोनी पूरा इलाका सन्न कर गई। जिसने भी सुना वो दंग रह गया, क्योंकि रात का खामोश अंधेरा था। बदमाश अपने नापाक मंसूबे अंजाम देने के लिए निकले थे। उनका निशाना था औरैया का बिधनू इलाका, और फिर एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन अलग अलग परिवार उनकी दरिंदगी का शिकार बन गए। पहले एक घर लूटा गया, फिर दूसरा निशाना बनाया गया, और तीसरा परिवार तो लूटा भी, महिलाओं की इज्जत पर हमला भी किया गया, और जब विरोध किया तो उन्होंने खून भी बहा दिया एक निर्दोष का। मंजर गवाह है उस खौफनाक रात का, जिसकी बदहवासी अब भी यहाँ पसरी है। सरकारी लकड़ी कटी है तुम्हारे घर में है तो फिर नहीं खोला, उनसे नहीं कर दिया, उन्होंने धक्का मारा गेट में, फिर बाद में मेरी मम्मी ने खोला तो फिर वो घुस गए और जम के लूटपाट की, फिर मेरी बहन के साथ छेड़खानी की, फिर मेरे भाई ने विरोध किया तो मेरे भाई की गोली मार दी। एक रात तीन लूट, बदमाश अपना खौफ हर जहन पर छोड़ गए। कहीं पुलिस बनकर डकैती डाली गई तो कहीं जबरदस्ती घर में दाखिल होकर लूटपाट मचाई गई। मकसद था तो बस लूट करना, लेकिन पुलिस सोती रही, बदमाश बेखौफ होकर जुल्म ठाते रहे, और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तीनों परिवार के पीड़ित लोग घर की इज्जत पैसा और खून बहते हुए देखते रहे, लेकिन पुलिस नहीं जागी। क्या हो गया राज्य की कानून व्यवस्था को? क्या पुलिस जागेगी कभी? बदमाश नहीं रखते हैं, मुझे जहाँ किसी की कसम ले लो मैं नहीं बदमाश रखता हूँ। उन्होंने की नई कसम खाती है तो किवाड़ खोल किवाड़ खोल, मैंने किवाड़ खोल दिए, मुझे डर नहीं था तो मैंने किवाड़ खोल दिए, मुझे ये नहीं था कि मुझे बदमाश है। अपराधी अपराध कर गए, पुलिस हर बार की तरह वही अपना पुराना राग अलापती नजर आई। तफ्तीश की जाएगी, लूट का खुलासा किया जाएगा, और जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। बिदुना क्षेत्र में तहसील के पास ये कुछ कच्छा बनियाइन गिरोह के लोग तीन घरों में लूटपाट किए, जिसमें विरोध करने पर एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई है। औरैया में लूट की तीन वारदात ने पुलिस की कलाई खोल कर रख दी। लुटेरे पहले सिर्फ लुटेरे ही थे, फिर कातिल बन गए, और अब घर की इज्जत पर भी हाथ डालना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस चैन की नींद सोती रही। लेकिन पुलिस और प्रशासन से एक सवाल, क्या इसी तरह राज्य अपराध मुक्त बनाया जाएगा? आशीष तिवारी, औरैया, समाचार प्लस। बेटा शराबी था, बाप बूढ़ा था, हर रोज पिता बेटे की इस हरकत का विरोध करता था। वो नहीं चाहता था कि बेटा गलत आदत का शिकार बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाले, लेकिन पिता की कोई भी हिदायत उस पर असर नहीं कर रही थी। वो परेशान था, और इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए बाप बन बैठा जवान बेटे का कातिल। बेटा था शराबी, बाप था परेशान, लाख समझाने की कोशिश, बेटा नहीं माना बाप की बात, तो फिर
एक चीता ने उठा लिया खौफनाक कदम और कर दिया बेटे का कत्ल। सफेद कपड़े में लिपटी लाश राम सिंह की है, वही राम सिंह जो कल तक इस दुनिया का हिस्सा था, घर का चिराग था, लेकिन था शराबी। घर वाले उसकी लत से बेहद परेशान थे, हर रोज शराब पीकर लड़ाई करता, घर वालों के साथ मारपीट करता, लाख समझाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं माना। राम सिंह शराब की जकड़ में ऐसा फंसा था कि चाहकर भी वो छोड़ नहीं पा रहा था। क्या होता और क्या किया जाता, घर वाले इसी उधेड़ बुन में थे, क्योंकि थाने में खड़ा ये बाप अपनी औलाद को बर्बाद होते नहीं देख सकता था। राम सिंह रतनलाल की औलाद थी, जिगर का टुकड़ा था, लेकिन उसका लख्त जिगर रोजाना तिल तिल मर रहा था। एक बाप की हैसियत से रतनलाल ने खूब समझाया, लेकिन राम सिंह नहीं माना और आखिरकार उठा लिया वो खौफनाक कदम। राम सिंह की रतनलाल ने पीट पीट कर हत्या कर दी। एक बाप बेटे का कातिल बन गया। मामला कौशाम्बी के थाना कोखराज के गांव निधिया का है। वारदात वाले रोज भी रतन सिंह शराब पीकर घर पहुंचा, घर वालों से झगड़ा शुरू कर दिया और फिर परेशान बाप ने तैश में आकर राम सिंह की पिटाई करना शुरू कर दिया। रतन लाल पर गुस्सा सवार था, वो बेटे की ज्यादती से आजिज आ चुका था। रतन लाल के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना करना भी बेहद डरावना है। एक बाप ने अपने हाथ बेटे के खून से रंग लिए। बेटे की हत्या के बाद से रतनलाल चुप है। पुलिस ने रतनलाल को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। लेकिन ये वारदात साबित करती है कि शराब किसी की ना हुई, किसी को नहीं बख्शा, किसी की बेवक्त मौत हुई तो किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई। और ये वारदात एक नजीर भी है। अरविंद राणा, कौशाम्बी, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील है, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Let's get it touchy. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. निशाना तू लगाएगा, फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौके पे मौके पे चौका लड़ेगा, हा 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 हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौके पे मौके पे चौका, अरे मौके पे नो बॉल। What is a no ball? No ball means no Pepsi. मौके पे चौके पे मौके पे हम आपको बता दें, लखनऊ में मूर्ति लगाने का काम किया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से इस वक्त की आ रही है, जहां पर नव निर्माण कार्यकर्ताओं ने जो मूर्ति तोड़ी थी मायावती की, वहां पर नई मूर्ति
लगाई जा रही है मायावती की। दोपहर में मूर्ति तोड़ी गई थी और अब नई लग रही है, नई मूर्ति लगाने की हम आपको बता दें कोशिश जारी है। और इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, अम्बेडकर पार्क में मायावती की नई मूर्ति लगाई जा रही है। संगीत नाट्य